हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार माना गया है, तो माता लक्ष्मी को सुख श्रमति व धन की देवी माना गया है। सभी देवताओं की पूजा का विशेष दिन होता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की विशेष उपासना से साल भर सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं होती है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश और भगवान कुबेर की पूजा का भी विधान है, लेकिन इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि की पूजा नहीं की जाती है। इसके पीछे तर्क है कि दिवाली का त्योहार चातुर्मास के बीच आता है और चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निंदा में लीन रहते हैं और चतुर्मास के दिन भगवान विष्णु योग निरता में लीन रहते हैं। इस वजह से भगवान विष्णु किसी धार्मिक कार्य में उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए दिवाली पर माँ लक्ष्मी बगैर भगवान श्री हरि के घर पर पधारती और कृपा बरसाती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमने पंडित पंकज जोशी से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया आप भी सुनिए। क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों पति पत्नी है और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, बहुत चाहती है, तो इसीलिए एक बार गणपति जी और लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु लक्ष्मी ने जब नारायण जी से ऐसी कुछ बातें कही थी तो नारायण जी ने उनको बताया था, तो इसीलिए लक्ष्मी जी जब पार्वती की बात गई, पार्वती जी ने अपने गणेश जी के एक पुत्र को मांगा था, उन्होंने गणेश जी को उनको दिया था, तो गणेश जी के आने से गणेश जी में क्या है, बुद्धि और विद्या, बुद्धि विवेक गणेश जी के पास है और लक्ष्मी वहीं रुकती है जहाँ जिसके बाद बुद्धि का संचार होता है, और जब तक बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि का विकास नहीं होगा, लक्ष्मी वहाँ नहीं रुकती है। और लक्ष्मी इसलिए नहीं रुकती क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, क्योंकि आज किसके पास है कल किसके पास है, तो अलग अलग घूमते रहती हैं। तो लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए तो गणेश जी का साथ उनको अवश्य चाहिए था, तो गणेश जी लक्ष्मी के पुत्र हैं, तो हमेशा लक्ष्मी जो है गणेश जी के दाएँ तरफ बैठ के उनकी पूजा की जाती है, और इसीलिए कि बुद्धि विवेक जब तक नहीं होगा तब तक लक्ष्मी का स्तर नहीं होगा, और जब बुद्धि है तो लक्ष्मी वहीं रुकती है, नहीं तो लक्ष्मी चलायमान हो जाएगी तो रुकने का संचार खत्म हो जाता है, तो बहुत चलायमान हो जाती है। तो इसीलिए गणपति के साथ रहने के साथ ही उनके बुद्धि विवेक का साथ गणपति के बाद जो है रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की दोनों पुत्रियाँ गणपति जी की पत्नियाँ हैं, और इसीलिए वहाँ पे लक्ष्मी विराजमान रहती है, तो इसीलिए नारायण के साथ ना होकर गणपति के साथ बैठ के उनकी पूजा की जाती है महालक्ष्मी की पूजा के दिन। धन्यवाद, आप हमारे पास आए और आपके द्वारा हमने जो प्रश्न किया था आपने उसका उत्तर दिया, तो ये ताकि सब तक पहुँच जाए। धन्यवाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कोवर की रिपोर्ट।